नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गुंजन। खूंटी जिले की खबरों से अवगत कराते हुए बता दें कि खूंटी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई लोग डाइन बिसाही जैसे कुप्रथा के शिकार हो रहे हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए घरवार छोड़कर अन्यत्र शरण लिए हुए हैं। इसी क्रम में माराघादा थाना क्षेत्र के एक परिवार इस कुप्रथा के शिकार होने पर अपना घरवार छोड़कर खूंटी में शरण लिए हुए हैं। हमने उस परिवार से बातचीत किया और सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ बताया। हम लोग घर छोड़ के आए, जिधर हम लोग खूंटी में रह रहे हैं। क्यों घर छोड़े थे वहाँ? वही डाइन विषय से ही हम लोग। और उस दिन खुदीराम की पत्नी डेथ कर गई, प्रेग्नेंट थी, उसी का नाम से मेरा बाबा डाइन और हम लोग डाइन है। इसीलिए हम लोग को 50,000 रुपया डिमांड किया है और 50,000 15 सितंबर तक दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस तरह का सुन के और हम लोग का मुंह में भी बोला गया, इसीलिए हम लोग डर से खूंटी में रह रहे हैं। अच्छा, तो अभी खूंटी में रह रहे हैं तो यहाँ पे क्या काम करते हैं आप लोग? कैसे काम करते नहीं है सर, हम लोग सब तो पहले से ही खूंटी में रह रहे हैं। हम लोग सब बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, बाबा गांव में पहले रहते थे, बाबा और माँ, तो डर के मारे अब हम लोग रेंट में बाबा और माँ को भी साथ में रखते हैं। चलिए, तो पैसे अरेंज कहाँ से हो पाता है, चूँकि गाँव आप छोड़ रहे हैं यहाँ पे? अभी पैसे ऐसा नहीं है, जितना पहले से खेती बाड़ी किए थे वही सबको धान सबको आधा बेचे, 10,000 रुपये का बेचे, वो पैसा सभी खत्म होते जा रहा है गाँव में। और मेरे बड़े पापा के बेटे लोग चारों डाइन कह के बोलते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। किसी दूसरों के भरोसे हम लोग सुने कि यहाँ पे कोई एक संस्था या समिति है, बोल के हम लोग यहाँ आए। यहाँ पे कुछ करवाई या तो सुझाव दे सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे। पहले हम लोग गए थे मरांदा थाना, गए थे वहाँ पे हम लोग केस दर्ज किए थे, पहले जुलाई महीने में दिए थे, उसमें केस दर्ज तो नहीं हुआ। उसके बाद उसी में हम लोग समझौता पत्र में हम लोग को समझाया गया, समझाने के बावजूद फिर वही दोबारा भूत का नाम लेता है मेरा चारों भाई। उसके बाद में हम लोग दोबारा बाद में हम लोग 24 सितंबर को गए, उस दिन भी केस दर्ज नहीं हुआ। फिर हम लोग 25 तारीख कल केस दर्ज कर दिए हैं, कल हम लोग नाम दे दिए हैं, केस का पेपर भी जमा कर दिए हैं। उसमें हम लोग को बोला कि पैसा दीजिए, होने से जल्दी कर देंगे बोले। कौन बोला पैसा दीजिए? लिखा पढ़ी करते हैं वो, मुंशी जैसे बैठते हैं वो बोले, बड़ा बाबू तो नहीं बोले। कितना पैसा मांगा? पैसा का नाम इतना बोल के नहीं बोला, लेकिन पैसा दो, होने से जल्दी काम करेंगे बोले। अच्छा, हमारे जल्दी काम करेगा बोल के हम लोग हाँ बोल दिए। तो पैसा दिए हैं? नहीं दिए हैं। तो हम लोग बोले कि पहले काम, उसके बाद पैसा देंगे कह के बोल दिया। हम लोग का अगर पैसे नहीं देंगे तो शायद हम लोग का काम नहीं होगा बोल के हम लोग डर के मारे हाँ बोल दिए। तो अभी आपने सुना पीड़ित परिवार से, थाने में इनसे पैसे की मांग भी की जा रही है। तो खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।